तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता था कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक आदमी आया तो मैं भी ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था तो वो पीछे आया पीछे यहाँ पे बैठा और उसने कहा कि जो ये सीट है को ड्राइवर की इसको पूरा पीछे कर दो जितना पीछे हो सकती है तो मैंने सीट को पूरा पीछे करा और पोर्शन को पूरा लीन कर दिया उसके कहने पर तो अब जैसे देख सकते हो तो यहीं पर बैठा हुआ था तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई अच्छी स्पेसिंग नहीं मिलेगी उसको लेगरूम स्पेस कुछ नहीं मिलेगा तो कह रहा देखो यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं है इस गाड़ी में बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं पीछे की तरफ को तो मैंने बोला ऐसा नहीं है मैंने कहा वो तो आप किसी भी गाड़ी में अगर पीछे कर दोगे इस सीट को पूरा पीछे कर दोगे तो वहाँ स्पेसिंग आपको मिलेगी नहीं भले ही कोई छोटी गाड़ी हो इस तरह की है लाखों की करोड़ की गाड़ी भी अगर आप ले लोगे तो उसमें भी आपको स्पेसिंग नहीं मिलेगी तो मुझसे तो उसने मुझसे कहा कि नहीं भाई आपको नहीं पता मेरा गाड़ी का काम है मुझे पता मैंने बलिनो और पंच देख रखी है उसमें अगर ऐसे पूरा पीछे कर दो तो यहाँ पे अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है तो खैर छोड़िए उन लोगों को सो वेलकम बैक टू कोड सिक्स जहां पे हम बात करते हैं सारी क्रेजी मशीन्स के बारे में तो उसी तरह आज हम बात करेंगे इस okay. ग्रैंड आइटन नियोस के बारे में जी हाँ और ये इसका स्पोर्ट्स जी मॉडल है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है सबसे ज्यादा सेल आउट होता है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे फॉग लैंप व्हील टच स्क्रीन कैमरा हो गया ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे जो फीचर्स हैं वो सभी इसमें आपको मिल जाएंगे जिससे ऐसे ये वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बनता है इस गाड़ी का और ये मॉडल सी में भी है सी एनजी के लिए भी काफी बढ़िया मॉडल रहेगा और इसका जो प्राइस है वो आपको अराउंड नौ लाख रुपए तक पड़ जाता है अगर आपको प्राइस से रिलेटेड या फिर गाड़ी के बारे में किसी और चीज के बारे में कुछ भी जानना है तो इनका कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप इनको कांटेक्ट करो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये चीजें मुझसे मत पूछना तो खैर गाड़ी की तरफ को चलते हैं तो जैसे बता रहा था ये इसका स्पोर्ट्सी मॉडल है इसमें आपको काफी सारे काम की फीचर्स मिल जाएंगे लेकिन सबसे पहले एक्सटीरियर की हम बात करते हैं तो फ्रंट से अगर हम गाड़ी को देखें तो फ्रंट में काफी मतलब जो एग्रेसिव जो लुक है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो हेडलाइट का डिजाइन है थोड़ा सा मतलब काफी शार्प सा दे रखा है हाँ लेकिन ये आपको हेलोजिन में मिलते हैं अगर आप ऊपर के मॉडल्स में जाएंगे टॉप मॉडल्स में जाएंगे तो वहां पर आपको जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो मिलेगा हाँ लेकिन आपको जो फॉग लैम्प है वो मिल जाएंगे वो आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं तो इनका जो थ्रू है वो अच्छा मिलेगा आपको बाकी काफी वाइड ग्रिल मिलेगी जिसमें आपको इसे बुमरिंग स्टाइल में डी मिल जाएंगे का लोगो हो गया और साइड की तरफ को चलते हैं तो जो साइड का लुक है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहां पर आपको काफी ब्यूटीफुल एलआई व्हील्स मिलते हैं ब्लैक कलर के इनकी प्रोफाइलिंग अगर हम जाने तो यहां पे लिख रखी है 165 सिक्सटी फाइव सेवेंटी आर फोटी फोर्टीन इंच के यहाँ पर आपको एलआई व्हील्स मिलेंगे जो कि दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं हाँ ऑब्वियसली फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको 165 सिक्सटी फाइव एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि ठीक है लेकिन अब गाड़ी में काफी सारा लोड बहुत कैरी होगा तो छोटे जो ब्रेकर होते हैं और जो गड्ढे होते हैं उनमें गाड़ी को आपको थोड़ा सा आराम से ले आना पड़ेगा बाकी सस्पेंशन भी गाड़ी के अच्छे हैं तो कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा और हाँ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको ऑटो कुछ भी और यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल ओ मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर भी आपको एल में इन्हीं मिलेगा बाकी बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे और थर्टी सेवन लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है और ऊपर आपको बॉडी कलर शार्किन एंटीना भी मिलेगा बाकी पीछे की तरफ को चलते हैं तो पीछे यहाँ पे जो टेल लैंप है वो आपको हेलोजिन मिलते हैं एलईडी में प्रोवाइड नहीं होंगे और काफी सारी बैजिंग आपको मिलती है ग्रेनेटेड नियोस की बैजिंग मिल जाएगी स्पोर्ट्स जो मॉडल है वो लिखा हुआ मिलता है ऊपर आपको डिफॉगर मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है और यहाँ पे गौर करोगे तो कैमरा भी आपको इस मॉडल में मिलेगा और पीछे आपको थोड़ा एक डिफ्यूजर मिलता है जिससे थोड़ा सा एक अच्छा लुक आएगा गाड़ी में और दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और बूट की बात कर लेते हैं तो जैसे मैं कहता है सी एन मॉडल है तो पीछे आपको इस तरह से सीएनजी की किट मिल जाती है वैसे गाड़ी में आपको थर्टी सेवन लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और सीएनजी किट लगा के इसमें आपको टोटल सिक्सटी लीटर की कैपेसिटी मिल जाएगी हाँ बस सीएनजी किट लगाने के बाद एक ही डिसएडवांटेज होता है कि पीछे जो बूट स्पेस है वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी देख सकते हैं मतलब स्पेसिंग यहाँ पर नहीं तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो स्टफ है वही आप कैरी कर सकते हो लेकिन अगर सीएनजी की किट को हटाए तो यहाँ पर आपको 260 लीटर की बूट स्पेस है तो वो अच्छी स्पेसिंग है तो काफी सारा तप स्टफ आप यहाँ पे कैरी कर लोगे बाकी जो पार्सल ट्रे है वो मिल जाएगी आपको और जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको टूल किट सब चीजें आपको यहीं पे नीचे मिल जाएगी इस तरह से तो गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो हमने देख लिया दिखने में कैसी है क्या क्या बाहर से चीजें आपको मिल रही है सीएनजी पीछे किट आपको मिल रही है अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ को देखते हैं फीचर्स में क्या क्या मिलता है आपको दिखा दू आपको जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और अंदर पहले बैठ के देखते हैं फिर कंफर्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे जरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का तो इंटीरियर में यहां पे सबसे पहले स्टेयरिंग राउंड स्टेयरिंग मिलेगा जिसमें आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं और इससे आप ऑफिसली जो टच स्क्रीन है उसको आप ऑपरेट करेंगे वॉइस कमांड हो गया कॉल पे करने का ऑप्शन सब आपको यहीं पर मिलते हैं और जो टच स्क्रीन है वो आपको एंड्रॉयड एप्पल दोनों सपोर्टेड मिलती है बाकी स्पीडोमीटर उस तरह से मिलेगा आपको यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है स्पीडोमीटर हो गया बीच में छोटा सा ट्रिप मीटर मिलेगा जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करता है जैसे टाइम हो गया डिस्टेंस ट्रेवल गाड़ी आपको एवरेज कितना दे रही है और यहाँ पर आपको ऑयल टेम्परेचर शो नहीं होता लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहते हैं सी कितना भरा हुआ है और पेट्रोल कितना है वो ऑप्शन दिख जाएंगे बाकी इसको अगर आपको सेट करना है तो ये बटन दे रखा है छोटा सा यहाँ पे तो इसको अगर आप दबाओगे तो इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी सब चीजें सेट जाएंगी बस मुझे इस चीज़ से यही दिक्कत लगती है जब भी अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो और अगर आपको तब इस चीज़ को सेट करना है तो ये बहुत छोटा सा है बहुत अंदर है तो ड्राइव करते समय आपको बहुत दिक्कत आ सकती है इस चीज़ को तो या तो ये माउंटेड तो 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 कंट्रोल्स में आता है या फिर ये थोड़ा बड़ा होता साइड की तरफ को हो तो ज्यादा ईजिली ऑपरेट होता बाकी वाइपर से कंट्रोल मिलेंगे यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं और गौर करेंगे यहाँ पे आपको ये बटन दे रखा है इससे आप पेट्रोल से सी में स्विच कर सकते हैं मतलब जैसे आपका जैसे अभी यहाँ पे पेट्रोल बहुत कम हो रखा है तो इसको अगर आप प्रेस करोगे तो ये जो है सी में स्विच हो जाएगा दोबारा प्रेस करोगे तो ये पेट्रोल में वापस आ जाएगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाकी लाइट की बीम एडजस्ट करने का स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता मैनुअली गाड़ी को आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है और डोर में देखेंगे तो पावर विंडो का कंट्रोल मिलेगा सिर्फ ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन का ऑप्शन मिलेगा बाकी सब नॉर्मल रहेंगे और वो आबीम को एडजस्ट और फोल्ड करने का ऑप्शन होता है नीचे आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है इस मॉडल में आपको चार स्पीकर का ऑडियो सेटअप मिलता है बाकी सेंटर में देखेंगे वैसे जो डिज़ाइन है ना ये हल्का हल्का मुझे किया की याद दिलाता है क्योंकि किया में भी जो सेल्टॉस है और जो सोनेट है उसमें भी इस टाइप का थोड़ा सा डिजाइन मिल जाता है बाकी साइड में इजी टू ऑपरेट बटन मिल जाते हैं ऑटो ऑटोक्रामिक कंट्रोल आपको मिलेगा और नीचे आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है और यूएसबी का पोर्ट मिलेगा थोड़ा फोन रखने के लिए स्पेसिंग है गियर नॉब हो गया फाइव स्पीड का इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलता है इस तरह से सॉरी बाकी यहां देखेंगे तो दो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं थोड़ा स्पेसिंग है तो फोन या कोई छोटी मोटी चीज आप कैरी कर सकते हो हाँ आमरेस का ऑप्शन नहीं है वो आपको अपर मॉडल्स में मिल जाएगा और थोड़ी सी स्पेसिंग आपको ग्लब बॉक्स के ऊपर मिल जाती है और ग्लब बॉक्स का साइज भी डिसेंट है लेकिन ये आपको कूल ग्लब बॉक्स नहीं मिलता है यहाँ पे खाली यहाँ पे स्लॉटिंग दे रखी है अगर आप ऊपर के मॉडल्स में जाओगे तो आपको कूल ग्लब बॉक्स मिल जाएगा और सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको टू एयर बैग्स मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए बाकी इसमें आपको वही ए बी चाइल्ड सेफ्टी जो सेफ्टी फीचर्स से है वो मिल जाएगी और गाड़ी की लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो डिसेंट है लेकिन अंदर जो कैबिन का डिज़ाइन है जो मतलब स्टाइल है गाड़ी का वो बहुत अच्छा है तो जो लोग कहते हैं ना कि यार इस गाड़ी में अच्छा इंटीरियर नहीं मिलता है कंफर्ट नहीं है ऐसा नहीं है अच्छा यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिल रहा है अंदर इंटीरियर का डिज़ाइन अच्छा है सीट्स बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पर आपको फैब्रिक अच्छा अपॉल्सट्री मिल जाती है हाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे लेकिन इनका साइज काफ़ी बड़ा है तो आपको हेड सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा तो अगर लंबा आदमी भी इस कार को चलाता है तो वो भी कंफर्टेबल होकर चला सकता है और हेडरूम स्पेस भी आपको अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप मिल जाएगा और इस तरह को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है अपना फेस देखने के लिए बाकी यहां पर आपको इस तरह से आयरवे मिलेगा और जो लाइट का ऑप्शन है वो फ्रंट में नहीं है बस एक सेंटर में मिलेगा आपको इस तरह से वो भी आपको हेलोजिन में मिलती है लेकिन इसका स्प्रे काफी वाइड है तो अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी और हाँ एक मेन बात इसकी जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है तो देखा है तो अच्छे खासे फीचर्स हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल रहा है माउंटेड कंट्रोल्स मिल मिल रहे हैं टच स्क्रीन रही है और हाँ कैमरा भी यहाँ पर आपको मिलेगा कैमरा क्वालिटी जरा चेक कर लेते हैं ऐसे तो अभी जैसे दीवार के बहुत पास है लेकिन देखा है तो क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है वैसे अगर गाड़ी अगर कहीं बाहर खड़ी होती तो एक अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है आपको तो कैमरा क्वालिटी को मैं अच्छा कहूंगा और ये सी मॉडल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कोर ड्राइवर की सीट है उसमें उसके नीचे आपको इस तरह से ये एस्टिंग मिलेगा और यही नहीं अगर आप कोई भी सी वाली गाड़ी लेते हो तो उसकी जो कोर ड्राइवर की सीट के नीचे आपको इस तरह से जो एक्सटाइंग विशेष है वो मिलेगा ये सेफ्टी नॉर्म है कि हर सी की गाड़ी की जो सीट है उसके नीचे आपको ये चीज मिलनी चाहिए तो फ्रंट पोर्शन देख लिया है अब पीछे की सीट में चलते हैं और देखते हैं वहां पे सीटिंग कंफर्ट वगैरह वगैरह कैसा मिलता है आपको तो फटाफट से चलते हैं जरा तो पीछे जो कंफर्ट है वो एक्चुअल में काफी अच्छा है ये जो सीट है ना ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब सेट हो रखी है तो आप देख सकते हो रूम स्पेस मुझे बहुत अच्छा मिल जा रहा है और अंदर था सपोर्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो सीट है काफ़ी लंबी है चौड़ी है तो अच्छा अंदर था सपोर्ट मिलेगा और पीछे तीन लोग कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं मतलब जो बंदा में बैठेगा ना उसको थोड़ा सा मतलब पैरों को अपना स्क्वीज करना पड़ेगा इस तरह से लेकिन तीन लोग पीछे बैठ जाएंगे और पीछे आपको कोई भी हेड्रेस का ऑप्शन नहीं मिलता है तो हेड सपोर्ट को मैं डिसेंट कहूँगा लेकिन सिटी वाइज के हिसाब से गाड़ी काफी अच्छी है अगर पांच लोग सिटी वाइज के हिसाब से देखू मैं पांच लोग इस गाड़ी में बैठते हैं तो कंफर्टेबल होकर रहेंगे लॉन्ग टूर में पीछे के बंदों को हेड सपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा लेकिन स्पेस यहां पर आपको अच्छी मिलती है फिक्स ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएंगे और डोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है थोड़ी नीचे आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी स्पेसिंग मिल जाती है स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी इस तरह से हाँ कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा इधर को और पीछे की तरफ से जो तो फ्रंट का व्यू है वो आपको इस तरह से दिखता है डिजाइन गाड़ी का जो है इंटीरियर का वो काफी अच्छा रखा है यहाँ पे तो ओवरऑल देखा है ये गाड़ी में आपको सी मिल रही है माइलेज आपको अच्छा मिलेगा कंफर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है और पांच लोगों के हिसाब से गाड़ी काफी अच्छी है तो फैमिली के हिसाब से ये गाड़ी बहुत बेहतरीन बनती है वैली फॉर मनी वेरिएंट है अच्छे खासे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं तो अगर आपका बजट आठ से नौ लाख रुपए तो आप इस कार को कंसीडर जरूर करें काफी फायदे में रहेंगे आप तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप आपको जो रिव्यू है वो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक को ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो ठीक है मिलता आपको बहुत जल्दी देखो नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे लीगल बट ड्राइव फास्ट